प्रयागराज में आज जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। नमाज के बाद लोग खुल्दाबाद के अटाले चौराहे पर इकट्ठा हुए और केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ को देखते हुए पुलिस और आरएएफ ने लोगों को पहले तो घंटों समझाया, लेकिन लोग धार्मिक नारे लगाकर सड़क पर आते रहे। जिस वक्त भीड़ को पुलिस के अफसर समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक गली से कुछ युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जब फोर्स उनको खदेड़ने के लिए आगे बढ़ी तो सड़क से एक तरफ की गली से पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के 2 गोले दागे, लेकिन उसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ और आधे घंटे से ज्यादा पथराव होता रहा। पथराव में आईजी राकेश सिंह सहित पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्स के आधा दर्जन लोग घायल हुए। इस दौरान पुलिस की कई गाड़ियों पर पथराव किया गया, काफी नौजवान गाड़ियों के शीशे टूट गए। अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पीएसी और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था, हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया। अभी लगातार यहाँ पर मैजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है और सभी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जो उपद्रव भी हैं उनके फोटोग्राफी की गई है और जो भी मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अटाले में बवाल चल ही रहा था कि भीड़ नुदुला रोड की तरफ चली गई। यहां उपद्रवियों ने बाइक और पीएससी की ट्रक में आग लगा दी। इस दौरान आरएफ ने उपद्रवियों को खदेड़कर भगाया। ये बवाल करीब 2 घंटे तक जारी रहा। छोटी छोटी गलियों की वजह से पथराव करने वाले आसानी से भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। दोपहर आप तो आदमी मेरे सभासद को नहीं पहचानेगा, मैं मुकदमा लिखूंगा। आप लोग दूसरे जनपद से दूसरे शहर से आकर के यहाँ पर माल खड़ा करेंगे। अटाला वासियों का आप लोग मतलब जाता मन लिया आपने, मैं अपने अटाला वासी सहयोग अनुरोध कर रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाइए, पुलिस के साथ खड़े हो जाइए और जो बाहरी लोग हैं उनके पैर करके मेरे सामने लाइए। मैं आपको मुकदमा लिखूंगा, याद करेंगे वो जीवन भर। क्या मेरा अटाला वासी कमजोर है? क्या अटाला वासियों को बोलने नहीं आ रहा है? उनके पे पत्र करने नहीं आ रहा है? उनको नेतागिरी करने नहीं आ रहा है? आप आ जाएंगे? मैं जानते क्यों नहीं? हाँ, मुझे राष्ट्र के हाल का रहा क्या आप अटाला वासी क्यों नहीं जानते हैं? आप रोजे मोहिंगे दिन भाई। नमाज के बाद प्रोटेस्ट की सूचना पुलिस को कल से ही थी। पुलिस ने लोगों के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन नमाज के बाद पुलिस की पूरी तैयारी बेकार साबित हुई और सड़क पर घंटों बवाल काटा गया। हालात सामान्य होने के बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। बवाल की वजह से शहर के कई बाजारों को बंद करा दिया गया है। इस क्षेत्र में पहले से यहाँ का इतिहास रहा है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भारी तत्व भी उसमें आके मिल जाते हैं। तो जो मस्जिद के आसपास जो लोग इकट्ठे थे, मदरसे के आसपास इकट्ठे थे और जिन घरों से पथराव हुआ उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और लगातार अभी सिचुएशन को नॉर्मल किया जा रहा है और वैसी अभी तक की जो स्थिति है वो सामान्य है। कितनी गाड़ियों पे आग लगाई गई है? कुछ पीएससी की गाड़ी भी है, पुलिस चौकी पीएससी की गाड़ी में एक जगह तोड़फोड़ की गई, उन्होंने आग लगा दी। मेरी गाड़ी पे भी पथराव किया था, बाकी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन पर पत्थर मारे हैं, कुछ के विंड स्क्रीन क्रैक कर गए हैं। तो इसके लिए ये सब डैमेज के लिए वो एफआईआर कायम की जा रही है और इन पर चोट की भी आई है, चोट की भी होने की सूचना आ रही है। उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ा है और लगातार
पीछे पीछे लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है सड़कों को। सर लगे बहुत बड़ा बड़ा है कोई नहीं।